उसी की वजह से मेघा को हुआ मनोज पर शक। सिकंदर की मदद से मेघा पकड़ेगी मनोज को। कलर्स टीवी शो मेघा बरसेंगे के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि मनोज के जॉर्जिया निकलने से पहले ही मनोज का पार्टनर चेक डिपॉजिट कर देता है और सिकंदर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मेघा सोचती है कि अगर सिकंदर को कोई जानता नहीं है तो आखिर मेरे अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हुए। वहीं अगले दिन मेघा अपने घर वापस जाती है। अब यहाँ पर मेघा की पड़ोसी मेघा से पूछते हैं कि वो मनोज को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई है। यहाँ पर पड़ोसियों को ये पता चलता है कि जरूरी काम की वजह से अचानक मनोज को जॉर्जिया वापस जाना पड़ा। ये बात सुनकर मेघा की पड़ोसी कहती है कि आसपास भी ऐसा ही कुछ बहाना बनाकर लोग शादी के बाद भाग गए हैं। अब यहाँ पर मेघा परेशान हो गई क्योंकि एक तो मनोज भाग गया, उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है और साथ ही उसके अकाउंट से 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला कि क्या वक्त रहते सिकंदर की मदद से मेघा पकड़ पाएगी मनोज को और क्या इन सब में अर्जुन करेगा मेघा की मदद। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।